हेलो गाइस, वेलकम टू सोमेल। दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल से अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाते हैं, लेकिन ट्रैफिक आने के बाद भी ठीक ठाक अर्निंग नहीं होता है। इसका रीज़न बहुत सारा हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो रीज़न होता है वो होता है सही एड प्लेसमेंट ना होना। अगर आप लोग सही से अपने वेबसाइट पे एड को प्लेस नहीं करेंगे, यानी कि सजाएंगे नहीं, तो इसके लिए ज़्यादा क्लिक्स नहीं आते हैं, जो कि CTR भी डाउन रहता है और उसमें ज़्यादा CPC भी नहीं मिलता है। अगर कहा जाए तो CPC एंड CTR दोनों ही डाउन रहता है, जिसके चलते कम अर्निंग होता है। तो अभी आप लोग मेरा एक AdSense अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी देख लीजिए। तो इसके अंदर आप लोग क्या देख पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 50 तक पेज व्यू है, और उसमें भी आप लोग देख सकते हो कितना क्लिक्स आया है, और CTR देख सकते हो, जो कि पेज CTR आप लोग देख लीजिए, और उसके साथ अर्निंग भी आप लोग देख लीजिए, और CPC तो आप देख सकते हो। यहीं पे अगर आप लोगों का भी CPC एंड CTR बढ़ जाता है, देन आपको भी अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा कम ट्रैफिक में। दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट देखा और इसके अंदर मुझे अच्छा CPC मिल रहा है एंड अच्छा CTR मिल रहा है, और क्या CPC एंड CTR के लिए ओनली एड प्लेसमेंट डिपेंड करता है या फिर कुछ अदर फैक्टर भी है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, और भी बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करता है आपका CPC एंड CTR के लिए, लेकिन मोस्टली उनमें से एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है एड प्लेसमेंट। लेकिन अगर आपको जानना है कि सारे फैक्टर्स क्या क्या है और कैसे हम लोग ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपना CTR एंड CPC को, तो ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, आप लोग ये वाला वीडियो देख सकते हो, कंप्लीट गाइड है। लेकिन ये वीडियो में आपको ये नहीं मिलेगा, यानी कि एड प्लेसमेंट का प्रैक्टिकल गाइड नहीं मिलेगा, जो कि इसी वीडियो में आपको पता लगेगा कि आप लोग एड प्लेसमेंट कैसे कर सकते हो। प्रैक्टिकली मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है? और उसके बाद दोस्तों, ये वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। ये वीडियो खत्म होते ही आप लोग ये वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, प्रॉपरली समझ सकते हो आप लोग इंटेंट को कैसे फॉलो कर सकते हो, इंटेंट को समझ के यूजर को टारगेट करके अपना CPC एंड CTR को भी बूस्ट करा सकते हो। अभी टाइम है कि हम लोग एड प्लेसमेंट करें, सीधे स्क्रीन पे चलेंगे और एड प्लेसमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। दोस्तों, अभी हम स्क्रीन पे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे एड प्लेसमेंट करता हूं और आप लोग कैसे कर सकते हो। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक करें और ऑल पे दबाएं, ताकि जब भी ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग कोई वीडियो डालूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों? दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे $10 कमाओ सिर्फ 500 पेज व्यू में। ये वाला जो थंबनेल, ये वाला वीडियो, इसको भी मैंने इसी के रिगार्डिंग बनाया था कि आप लोग ज़्यादा कमाई कैसे कर सकते हो कम ट्रैफिक में। तो ये वाला वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों, अगर आपके पास बिल्कुल ट्रैफिक ही नहीं है तो कमाई तो दूर की बात है। तो ट्रैफिक लाने के लिए क्या कर सकते हो आप लोग, सिंपली ये वाला वीडियो आप दोनों आप देख सकते हो। ये रहा Part 1, ये रहा Part 2। यहाँ पे मैंने कुछ तरीका एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके चलते बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है ओनली कॉपी पेस्ट करके। तो यहाँ पे मैंने ट्रैफिक का प्रूफ दिया है और इसके अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग ये दो पार्ट को भी देख के अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा तो इमीडिएटली जाके चेकआउट करिए। जैसे कि आप देख सकते हो 7000 लोगों ने इसको अभी तक देख लिया है और बहुत सारे लोगों को अच्छा रिजल्ट में मिल रहा है। दोस्तों, अभी चलिए हमारे टॉपिक पे चलते हैं, एड प्लेसमेंट करते हैं। दोस्तों, अभी मैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर हूं और सबसे पहले हमें एक प्लगइन चाहिए, एड इंसर्टर। इसी को मैं इस्तेमाल करता हूं और अभी के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है एडसेंस के लिए। आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिंपली आपको इसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है, ठीक है? ऑलरेडी ये एक्टिवेटेड है तो आप लोगों को भी इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है, ठीक है? इसके बाद आपको इसका सेटिंग को ओपन करना है। देखिए, यहाँ पे सेटिंग के अंदर आपको दिख जाएगा एड इंसर्टर, ठीक है? तो एड इंसर्टर को मैंने क्लिक किया। दोस्तों, अभी आपको कुछ ऐसे दिखने वाला है, अभी हम इसके अंदर एड्स डालेंगे, एड को डाल के सेव करेंगे, कहाँ पे प्लेस करना है वो भी फिक्स करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हम लोग यहाँ पे कौन से टाइप का एड यूज करेंगे। मोस्टली मैं जो यूज करता हूँ वो आप दिखाता हूँ आपको। डिस्प्ले एड यूनिट में 3 यूज करता हूँ और एक मल्टीप्लेक्स एड्स यूज करता हूँ, ठीक है? ये दोनों मतलब AMP फ्रेंडली है, तो इजीली आपको AMP पेज में भी ये अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है? अभी सबसे पहले डिस्प्ले एड के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डिस्प्ले एड यूनिट डालता हूँ, ठीक है? दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक डिस्प्ले का रेस्पॉन्सिव एड यूनिट डाला। अभी आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे देखना है डिसेबल्ड, इस पर क्लिक करना है और बिफोर पोस्ट आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है? और अलाइनमेंट आपको सेंटर रखना है, और सेंटर रखने के बाद ये सर्च पेज, टैग, अचीवर, कैटेगरी पेज, इसको अगर ऑन हुआ होगा तो इसको ऑन टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है? आप लोग यहाँ पे सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा, एक एड यूनिट यहाँ पे रेडी हो गया आपका दिखेगा। अभी
सेकेंड लेवल पे चलते हैं, यानी कि सेकेंड ब्लॉक पे चलते हैं और एक डिस्प्ले आर यूनिट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी मैंने एक आर यूनिट डाल दिया जो कि डिस्प्ले आर यूनिट। देखिए दोस्तों, ये डिस्प्ले आर यूनिट होगा और इसका रिस्पॉन्सिव होगा, मतलब कोई फिक्स साइज नहीं रहेगा। दोस्तों अभी हमें नीचे चलना है, नीचे चलने के बाद आप देखते हैं इंसर्टेशन पे आपको क्या करना है, डिसेबल्ड है, उसके बाद बिफोर कंटेंट आपको रख देना है। देखिए बिफोर पोस्ट एंड बिफोर कंटेंट, ये दोनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अलाइनमेंट यहाँ पे भी सेंटर रहेगा और ये आपको हमें ऑफ कर देना है। बस हो गया, इतने में बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने सेव कर दिया। अभी थर्ड सेक्शन पे चलते हैं। हमने यहाँ पे कितना लगाना है, 3 डिस्प्ले आर यूनिट लगाना है, जो कि टॉप 3 रहेगा ना वही थोड़ा ज़्यादा अर्निंग देता है मुझे, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मैं इसी फॉर्मेट पे आर को प्लेस करता हूँ अपने वेबसाइट्स पे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डिस्प्ले आर यूनिट का रेस्पॉन्सिव आर कोड। ठीक है, मैं डालता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे और एक आर यूनिट ऐड कर दिया है। अभी सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सेम एज इट इज इसको ऑन करना है और आफ्टर यहाँ पे पैराग्राफ डालना है और यहाँ पे मैं 4 पैराग्राफ के बाद डालता हूँ। आप 4 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो या फिर 6 डाल सकते हो, मोस्टली मैं 4 पैराग्राफ के बाद और एक आर्ट शो कराता हूँ। ठीक है, और इन सब को ऑफ करना है और अलाइनमेंट आपको सेंटर ही कर देना है, बाद बाकी आपको यहाँ पे सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा कितना आर्ट यूनिट हो गया, हमारा यहाँ पे 3 आर्ट यूनिट हो गया। अभी और एक आर्ट यूनिट हमें चाहिए, वो कौन सा होगा, वो होगा यहाँ पे मल्टीप्लेक्स आर्ट्स। ठीक है, मल्टीप्लेक्स आर्ट्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, या इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इसका कोड मैं अभी ऐड कर, दोस्तों मल्टीप्लेक्स का ऐड कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी आपको सिंपली नीचे चलना है और इसको सर्च पेज और यहाँ पे टैग इसको भी ऑफ कर देना है और सिंपली इसको टिक करना है और आपको दिखेगा यहाँ पे आफ्टर पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे आफ्टर पोस्ट पे आपको क्लिक कर देना है, तो उसके बाद आपको सेव सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों हमने यहाँ पे 4 आर्ट यूनिट प्रॉपरली प्लेस कर दिया है, लेकिन बस ये 4 नहीं, और एक भी हमें डालना पड़ेगा, वो होगा स्टिकी आर्ट कोड, जो कि फुटर पे आएगा और स्टिकी रहेगा, हमेशा दिखेगा। वो आर्ट कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो कैसे लगाएंगे मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, सिंपली सर्च कर लीजिए सोम्य हेल्प। ठीक है, सर्च करने के बाद सीधे आपका ये वेबसाइट भी ओपन हो सकता है और इसके अंदर आपको दिखेगा, देखिए हाउ टू ऐड रेस्पॉन्सिव स्टिकी आर्ट, स्टिकी फुटर आर्ट्स वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर, आपको इसको ओपन करना है। अभी आप लोग अगर ब्लॉगर यूज़ करते हो या फिर वर्डप्रेस यूज़ करते हो, जो भी आप यूज़ करते हो, यहाँ पे आप लोगों के लिए कोड अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, वर्डप्रेस के लिए रिकमेंडेड क्या है, आर्ट्स टाइप। आपको आपने जो यहाँ पे डिस्प्ले आर्ट यूनिट बनाया था, रेस्पॉन्सिव बनाया था पहले, लेकिन अभी हमें एक फिक्स साइज का बनाना पड़ेगा और उसका साइज रहेगा 2728 पिक्सल बाय 90 पिक्सल। आपको इस साइज का आर्ट यूनिट बनाना पड़ेगा। ठीक है, रेस्पॉन्सिव वो कैसे बनाते हैं, सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले आर्ट पे क्लिक करिए और यहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स, और यहाँ पे देखिए जो कि बाय डिफॉल्ट है वही आपको रखना है, बस क्रिएट पे क्लिक करके इसका कोड को लेना है। ठीक है, मैं आपको अभी प्रोसेस समझाता हूँ। इसी तरह आप लोग आर्ट यूनिट क्रिएट करिए, उसके बाद यहाँ पे स्टेप 1 पे आपको क्या करना है, आपको जाना है कस्टमाइजेशन पे। अपना वर्डप्रेस को आप ओपन करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा अपीयरेंस एंड कस्टमाइजेशन। दोस्तों अभी आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है और आपको मिलेगा एडिशनल सीएसएस, इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। जैसे आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे आपको बहुत सारे कोड यहाँ पे दिख रहा है, हालांकि ये मेरा वेबसाइट नहीं है, बस मैं डेमो के लिए यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों अभी आपको सिंपली एक कोड को यहीं से कॉपी करना है, टिक करेंगे कॉपी हो जाएगा, लेकिन अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे सोम्य हेल्प आर्ट्स, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, बस ये कोड मैंने बनवाया है, सो इसीलिए मेरा ब्रांड नेम यहाँ पे है। ठीक है, और कोई इशू यहाँ पे है नहीं। और अभी आपको कॉपी करके सीधे कहाँ पे जाना है, यहाँ पे एडिशनल सीएसएस पे आपको यहाँ पे डाल देना है कोड को। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको अगेन चलना कहाँ है, नीचे, और आपको सेकंड स्टेप पे कोड मिलेगा, देखिए यहाँ पे इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज कर देते हैं और सिंपली क्या करते हैं, नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए अपीयरेंस, उसके बाद आपको थीम फाइल एडिटर, इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप लोग यहाँ पे आ जाओगे अभी आपको मिलेगा फुटर PHP, तो आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों फुटर पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे स्टेप को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि पहले अपीयरेंस पे क्लिक करना है, उसके बाद थीम एडिटर, उसके बाद फुटर PHP और उसके बाद बॉडी। देखिए यहाँ पे बॉडी का क्लोज टैब के ऊपर डालना पड़ेगा है, ठीक है ना, ये जो कोड है बॉडी का क्लोज टैब का ऊपर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये बॉडी, उसके ऊपर हमको ये डालना है, यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे देखिए सेंटर, यहाँ पे आर्ड कोड को, ये जो कोड है
है ना, इसको यहाँ पे रिमूव करें और यहीं पे आप लोगों को आर्ट कोड डालना पड़ेगा। मैं डाल देता हूँ अभी, तो यहाँ पे मैंने आर्ट कोड भी डाल दिया। अभी सिंपली इसको अपडेट फाइल पे क्लिक कर देना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस के लिए तो बता दिया, लेकिन यहाँ पे आप लोग नॉट ओनली वर्डप्रेस, यहाँ पे ब्लॉगर के लिए भी सेम कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो और सेम टाइप आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रोसेस भी बताया गया है हाउ टू ऐड स्टिकी आर्ट्स ऑन ब्लॉगर, तो यहाँ पे आप लोग स्टेप बाय सब कुछ फॉलो कर सकते हो। डैशबोर्ड जो भी आपको यहाँ पे स्टेप बताया गया है और वही कोड को इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप लोग भी अच्छे से स्टिकी आर्ट शो करा पाओ। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं डेडिकेटेडली वीडियो बनाऊं ब्लॉगर में आप लोग कैसे आर्ट प्लेसमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली नीचे कमेंट करें। आपका कमेंट अगर मुझे ज्यादा मिलता है और ज्यादा लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं वर्डप्रेस मतलब ब्लॉगर के लिए वीडियो बनाने के लिए, मैं डेफिनेटली डेडिकेटेड वीडियो ब्लॉगर्स के लिए बनाऊंगा। ठीक है, अभी दोस्तों चलिए मैं आपको जो हमने आर्ट सेटअप किया है उसका देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है आर्ट। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको टॉप पे ये वाला आर्ट दिख रहा है। ठीक है, मतलब जो पहले हमने बिफोर कंटेंट बिफोर पोस्ट डाला था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये एक आर्ट डाला था हमने, उसके बाद ये दूसरा आर्ट, और उसके बाद आप लोग देखोगे ये वाला चौथा मतलब तीसरा आर्ट, और उसके बाद आप लोग देखिए ये स्टिकी आर्ट चार नंबर का आर्ट, और नीचे हमने एक फूटर वाला डाला था वो हम दिखाते हैं आपको ये वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा पांचों आर्ट यूनिट। बाकी आपको जो आर्ट यहाँ पे दिख रहा है वो ऑटो आर्ट्स है, आप चाहो तो ऑटो आर्ट्स को भी एनेबल कर सकते हो, नहीं तो डिसेबल भी कर सकते हो। ऑटो आर्ट रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और डिसेबल कर भी दोगे तो भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो आर्ट यूनिट पांच यहाँ पे लगाया है वही सबसे ज़्यादा क्लिक्स लेते हैं। जैसे कि ये आर्ट यूनिट सबसे ज़्यादा क्लिक्स लेता है और ज़्यादा सीपीसी भी देता है, उसके साथ जो स्टिकी आर्ट ये भी अच्छा खासा क्लिक्स लेता है और अच्छा सीपीसी भी देता है। ठीक है दोस्तों, तो यही था कंप्लीट वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिला और आपने कुछ सीखा यहाँ से तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ जानकारी बाकी रह गया जो कि आपका मन में डाउट है देन आप कमेंट कर सकते हैं, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। तो आज का वीडियो बस यही तक था, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।